किसी कारण से भोलेपन से अजीव अल्पज्ञ तो ही है, कौन शास्त्र वेद जानता है कि महापुरुष की पहचान किसी को मालूम है। अगर ऐसा कहीं गलत गुरु बना लिया है तो लड़ाई झगड़ा न करो उससे, चुपचाप अलग हो जाओ, उदासीन हो जाओ, न उससे प्यार न खार। ये ध्यान रखना संसार में कहीं द्वेष न होने पाए। उसने हमको धोखा दिया है, ठीक है तुम भी तो धोखे में आए हो, धोखा देने वाला अपराधी है तो धोखा खाने वाला भी तो अपराधी है, वो बिना समझे बूझे क्यों चला गया। तो कहीं झगड़ा फसाद बवाल और दुर्भावना न करके चुपचाप अलग हो जाओ और अपना ढूंढो, दूसरा महापुरुष मिले। और मेरा ख्याल तो ये है कि ढूंढने के बजाय डायरेक्ट श्री कृष्ण को रोकर पुकारो तो वो कृपा करके किसी वास्तविक महापुरुष से मिला देंगे। ये ढूंढने से तुम्हारी खोपड़ी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो असली महापुरुष है वो बड़े विचित्र होते हैं, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति भी उसकी बातों को नहीं समझ सकते। अगर हम उसके पास गए इस अहंकार से कि जरा देखें ये महापुरुष है कि नहीं, तो वो ऐसा व्यवहार कर देंगे कि आप तुरंत अबाउट कर लोगे, भाग जाएंगे। अरे वो आपके हृदय की बात को जान ही लेते हैं और फिर वो ऐसी एक्टिंग करना जानते हैं कि जिस चीज से आपको नफरत है वही वो करेंगे, तो अपने आप भाग जाएंगे। तो इसलिए अहंकार से युक्त हो करके तो भगवान और महापुरुष के यहाँ ठिकाना नहीं किसी का, हो तो सिर के बल गिरेगा। श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासु भाव से अगर हम भगवान से रोकर पुकारें तो भगवान के द्वारा कोई महापुरुष जब मिलाया जाएगा तो वो उसका हिसाब ठीक बैठ जाएगा। तो ऐसा बैठ जाए तो उसकी शरण में चले जाओ, और जब किसी महापुरुष की शरण में जाने पर तुम्हें लाभ प्रत्यक्ष दिखे, इस पॉइंट को नोट करो, प्रत्यक्ष लाभ दिखे, हाँ हमें तत्व ज्ञान हुआ, हम नहीं जानते थे, सब बातें समझा, भगवान में मन लगने लगा, अब संसार से मन हटने लगा, ये सत्संग करते करते जब ये सब फीलिंग आपको हो तो अब पक्की मोहर लग गई कि हमारा गुरु वास्तव में प्रैक्टिकल मैन है। देखो हमको पता ही नहीं चला, इतना समय निकल गया, भगवत विषय में इतना समय हम दे सकेंगे इस जीवन में ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम तो आधा घंटा बोर हो जाते हैं घर में बैठते हैं तो, आधा घंटा भजन नहीं कर सकते।